राजधानी लखनऊ में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा मुख्यालय में अहम बैठक की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। और वही बैठक को आगामी कार्यक्रमों और अभियानों के तहत अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक हों, इसे लेकर भाजपा मुख्यालय में अहम बैठक की गई है, जहां पर बैठक में सभी जिला अध्यक्ष और वर्तमान सांसद और मंत्रियों ने शिरकत की। वहीं इस बैठक में अध्यक्षता संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। साथ ही इस बैठक में कई MLC और भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। हमारी आज राज्य की बैठक है, उसके बाद फिर क्षेत्रों की होगी, जिलों की होगी, मंडलों की होगी। हम लोग क्रम से पार्टी की जो व्यवस्था है, बैठकों के माध्यम से अपनी बात, अपने संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए रूटीन ये बैठक करते हैं। रूटीन बैठक है। जहाँ तक नगर निकाय चुनाव की बात है, तो नगर निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, संगठनात्मक भी। तो उस संगठनात्मक तैयारी की, आगे आरक्षण जारी हो जाएगा तो उसकी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया की एक नीति बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है तो होती रहती है पार्टी की बैठक, हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में। अखिलेश यादव लगातार आपके ऊपर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अब ठीक है, वो जो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। क्या चुनाव अखिलेश यादव ने कहा है कि कन्नौज से अब वो चुनाव लड़ेंगे? उनका स्वागत है, वो अपनी पार्टी के नेता है, वो जहाँ से मर्जी चाहे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम तो नहीं, हम तो मेरी पार्टी जाए, हम तो चाहते हैं मैनपुरी लड़ा दे, पार्टी लड़ाएगी क्या? क्या सुब्रत पाठक ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से सुब्रत पाठक तैयार है चुनाव लड़ने? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी जहाँ से चुनाव लड़े मुझे वहाँ से चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पदाधिकारी शामिल होते हैं। कैमरामैन दिखाएं, दिखाएं, यहाँ पर धर्मपाल सिंह हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं और अन्य लोग हैं, गोविंद नारायण शुक्ला हैं। साफ तौर पर ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। हम दिखाएंगे आपको कि अपने पीछे किस तरह से जो पार्टी पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं, कई मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कार्यालय के अंदर की तस्वीर है। साफ तौर पर ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। वंदे मातरम से इसकी शुरुआत हुई है। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ में मौजूद है बातचीत करने के लिए। वो बैठक में शामिल होने लखनऊ आए हैं। इसे जानते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के जो तेवर हैं इनके खिलाफ क्यों हैं, और अखिलेश यादव जिस तरह से इनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, आपको ठीक है, उनका अधिकार है और वो भाई अपनी पार्टी के नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन उनको एक बात समझ लेना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री थे मैं तब भी नहीं उनसे डरता था, और जो कुछ करा सकते थे उन्होंने करा ही दिया था सरकार का दुरुपयोग करके, और इससे अधिक क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हत्या करा सकते हैं। तो अखिलेश जी, मैं नहीं डरता, ये जीवन ईश्वर ने दिया है और वही उसी की मर्जी से जाएगा, किसी माइके लाल की हैसियत नहीं। कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और साफ तौर पे कहा है उन्होंने कि जो लिस्ट बन रही है, जो जिन्होंने टोटी चोर कहा, मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट में उन सबको वो से चीज़ें मिलेंगी। अब देखो, वो कन्नौज से पिछली बार कौन लड़ा था, वही तो चुनाव लड़े थे। अभी मैनपुरी कौन चुनाव लड़ा, वही चुनाव लड़े मैनपुरी भी। कुल मिलाकर ये एक उनका भ्रम का विषय होगा। मैं तो उनको स्वागत करता हूँ, कन्नौज आए, वो लड़ सकते हैं। तो ये तो सुब्रत पाठक जी जिनका कहना साफ था कि अखिलेश यादव जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो आने वाला बताएगा कि क्या फैसला इनके पक्ष में होता है। शशांक श्रीवास्तव, NK News, लखनऊ।